आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आवास योजना 2021 की नई लिस्ट जारी कर दी गई है, जिस लिस्ट को आप अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी जनसेवा केंद्र या किसी को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नई लिस्ट देखने के लिए किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करेंगे iay.nic.in। इतना टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे तो प्रोसेसिंग लेके ये आपको आगे ले आएगा। आप दे सकते हैं, यहाँ पे पहला लिंक आ रहा है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और वहाँ से भी इस पर क्लिक करके वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो पहला लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेके आपको आगे ले आएगा। आप दे सकते हैं, यहाँ पे जो पहला लिंक आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको नई टैब ओपन करके दिखाएगा। आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोरोना का ऐड आ रहा है, आप इसे कट करेंगे। कट करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल पेज ओपन हो गया है। फिर आप दे सकते हैं, यहाँ पे थ्री डॉट आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सब मेन्यू ओपन हो जाएंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है आवास सॉफ्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आवास सॉफ्ट के सब मेन्यू ओपन हो जाएंगे। फिर आपको क्लिक करना है रिपोर्ट पर, आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको आगे ले आएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पार्ट्स वाइज दिखाएगा, ए पार्ट्स में दिखाएगा, बी में दिखाएगा, फिर सी में दिखाएगा, डी में, फिर ई में, तो आपको ई तक आना है। ई का आप देख सकते हैं जो फोर्थ नंबर आ रहा है, चौथा नंबर, आप इस पर क्लिक करेंगे। कैटागरी वाइज SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेके फिर से आपको आगे ले आएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आ रहा है सिलेक्शन फिल्टर्स, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहे हैं ऑल स्टेट, तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी स्टेट होगी आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप क्रम से आएंगे, प्रोसेसिंग लेने के बाद फिर से आपको आगे ले आएगा, तो आप देख सकते हैं फिर से सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो आप यहाँ क्रम से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी यानी कि जनपद जिला वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा। फिर आप अपना यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी ग्राम पंचायत होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे। ये आपके क्रम से ओपन करता जाएगा, उसी तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करते आएंगे। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप नीचे आएंगे तो आप सकते हैं यहाँ पर आपको आंसर फिलअप करना है। यहाँ से दो तरीके से दिखाता है, कभी माइनस में दिखाता है तो कभी प्लस में, आपके सामने जैसा भी आएगा आप फिलअप कराएंगे, या माइनस में तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, जितना भी इसका टोटल बनेगा वो फिलअप कराएंगे। फिलअप करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पर, जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको आगे ले आएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड एक्सेल डाउनलोड PDF, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपकी जो भी 2021 की नई लिस्ट जारी की गई है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे जिसे आप डिटेल बाय देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ क्रम से आ रहा है, आपका सारी डिटेल दिखाएगा इसमें, ऐसा नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम आ रहा है, ब्लॉक नेम आ रहा है, पंचायत नेम आ रहा है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है यहाँ से, और बेनिफिशरी का नाम दिखाएगा, किसके नाम से आवाज़ आया है, इनके पिता का नाम दिखाएगा, और यहाँ पर आपके इंडिविजुअल आवाज़ दिखाएगा, आप देख सकते हैं कितने पास हुए हैं इस वर्ष, वो सब दिखाएगा। फ्रेंड्स, जो जो आवाज़ पास हुए हैं ये सभी आवाज़ नए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन संख्या आ रही है, तो आप डिटेल से जानने के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन संख्या पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप किसी भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे जिसका भी आप देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके दिखाता हूँ, आप जिसका भी देखना चाहते हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको आगे ले आएगा, आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग लेने के बाद ये आपको सुलभ कराएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी डिटेल दिखाएगा, लाभार्थी कौन है, मेल है, फीमेल है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पर्सनल डिटेल्स, ये SC हैं, ये कैसे हैं, सब कुछ दिखाता है इनकी,
इनकी उम्र क्या है और इनका नरेगा जॉब का धारक है या नहीं मेंबर आईडी दिखाता है। आप देख सकते हैं इनका अकाउंट्स भी वेरीफाई हो गया है। यहाँ सैंक्शन कंप्लीशन डिटेल दिखाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और यहाँ कन्वर्ट डिटेल दिखाएगा, उजरा कनेक्शन का स्टेटस दिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर शीट भी दिखाएगा इनको कितनी अभी तक किस्त मिल चुकी हैं। यहाँ आपका एफक्यू भी दिखाएगा कब जनरेट हुआ था और कितने अंतराल में पैसा आ गया था। और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर आपके घर का नक्शा दिखाता है, मैप, एग्जिटिंग हाउस, जोल्ड हाउस जिसपे पास होता है आपका आवास वो दिखाता है यहाँ पे, फिर परपोज साइट दिखाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो फुल डिटेल दिखाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू।